उस समय 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिसमें आईसीयू का एक बेड नहीं था। आज हमारे सभी 75 जनपदों में गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। हमारे पास वहां पर हर एक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है और हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की लगभग 1,80,000 बेड्स हम लोगों ने कोविड उपचार के लिए प्रदेश के अंदर तैयार करके रखे हुए हैं। हमारे पास वेंटिलेटर भी हैं, हमारे पास HNMC भी है, हमारे पास और भी अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। और सेकेंड वेव में जब हमारे सामने ऑक्सीजन की क्राइसिस आई तो हर एक जनपद को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी जनपद को ऑक्सीजन के लिए किसी दूसरे के सहारे न रहना पड़े, हम लोगों ने पिछले 6 महीनों के अंदर आप आश्चर्य करते होंगे 518 ऑक्सीजन प्लांट भी प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए हैं। ये 518 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता में के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे। अभी 31 ऑक्सीजन प्लांट हमारे और लगने जा रहे हैं, यानी हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि आज BSL 2 की लगभग 15 नई लैब्स अन्य जनपदों में भी प्रारंभ हो रही है। हम सब जानते हैं कि अब बात करते हैं केजरीवाल का मिशन उत्तराखंड। आपको बता दें हरिद्वार ऑटो चालकों से सीएम केजरीवाल का संवाद, दिल्ली में